जेल से हनी प्रीत को अपने घर लाया था ये शख्स। मीटिंग को लेकर बताई ये कहानी। गुरमीत राम रहीम की मुंह बोली बेटी हनी प्रीत को जेल से अपने घर ले जाने वाले मेन अनुयायी संजय चावला भी सामने आ गया है। जेल से हनी प्रीत को अपने घर लाया था ये शख्स। मीटिंग को लेकर बताई ये कहानी। हनी प्रीत को जेल से अपने घर ले जाने वाले मेन अनुयायी संजय चावला भी सामने आ गया है। रोहतक। गुरमीत राम रहीम की मुंह बोली बेटी हनी प्रीत को जेल से अपने घर ले जाने वाले मेन अनुयायी संजय चावला भी सामने आ गया है। इसी अनुयायी के रोहतक के आर्य नगर स्थित घर पर 25 अगस्त की रात को करीब 45 मिनट तक हनी प्रीत ठहरी थी। बाद में वे एक इनोवा से दो नजदीकियों व एक सुरक्षा गार्ड के साथ निकली। खुद संजय उन्हें हिसार जाने वाला रास्ता बताकर आया। 25 अगस्त के बाद से अनुयायी संजय चावला भी नहीं मिल रहा था। दरअसल चावला की मां का निधन हो गया था, इस वजह से वे रोहतक में अपने भाई के घर था। रोहतक के रहने वाले संजय चावला के मुताबिक 25 अगस्त को शाम 7 बजे सिरसा के डेरा से किसी महिला नंबरदार का फोन आया, जिसने बताया कि राम रहीम को रोहतक जेल लाया गया है और उनके साथ हनी प्रीत भी है, इसलिए वहां जाकर हनी प्रीत को अपने साथ ले आओ। तब मैंने कहा कि मेरी मां का निधन हो गया है और घर में सभी रिश्तेदार मौजूद हैं, इसलिए मैं नहीं जा सकता। फिर उस महिला नंबरदार ने कहा कि रात का समय है और सिरसा से एक गाड़ी आ रही है, तब तक हनी प्रीत के साथ रहो। इसके बाद मैं सुनारिया जेल पहुंचा तो वहां पहले से ही झज्जर के रहने वाले जितेंद्र व हिसार के रहने वाले वेद कार लेकर मौजूद थे। हम हनी प्रीत के पास जाना चाहते थे लेकिन जाने नहीं दिया गया। आला अधिकारियों के दखल के बाद हम हनी प्रीत तक पहुंचे और उसे लेकर आए। उस समय सिक्योरिटी गार्ड विकास भी साथ था। इसके बाद सिरसा से दोबारा कॉल आई और कहा गया कि अभी गाड़ी आने में समय लगेगा, इसलिए मैं हनी प्रीत को लेकर अपने घर चला जाऊं। मैंने अपना घर तंग गली में होने और छोटा होने की भी बात कही, लेकिन कहा गया कि कुछ ही देर की बात है। इसके बाद मैं हनी प्रीत को साथ लेकर अपने घर पर आ गया। करीब आधे घंटे बाद डेरा के नजदीकी प्रदीप नंद का फोन आया और इनोवा से मेरे घर आ गए। वे करीब 10 मिनट मेरे घर पर रहे। इस बीच प्रदीप नंद के पास किसी और डेरा समर्थक का फोन आया। उसने कहा कि वे गुहाना पहुंच गए हैं और उन्हें हिसार जाना है। इसके बाद हनी प्रीत इनोवा कार में प्रदीप नंद व सिक्योरिटी गार्ड विकास के साथ रवाना हो गई। मैं उनकी कार को वीटा मिल्क प्लांट के नजदीक तक छोड़कर आ गया। थोड़ी देर बाद गुहाना की ओर से गाड़ी आ गई। इसके बाद वे सभी हिसार रवाना हो गए।